शुक्रवार को महाशिवरात्रि का पर्व देश और दुनिया भर में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसे लेकर देश भर के साथ धर्मनगरी मथुरा में भी विशेष उल्लास का माहौल नजर आ रहा है। जगह जगह शिव भक्त कंधों पर कांवड़ लेकर शिव मंदिरों की ओर पहुंच रहे हैं, तो वहीं मथुरा शहर के कोतवाल कहे जाने वाले भगवान भूतेश्वर महादेव, रंगेश्वर महादेव, गोकर्णनाथ महादेव सहित अन्य शिव मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित कराई गई हैं। मंदिरों में जलाभिषेक के चलते बैरिकेडिंग इत्यादि भी कराई गई है, जिसमें व्यवस्थित तरीके से शिव भक्त कतारबद्ध होकर अपने आराध्य भगवान शिव का जल से अभिषेक करेंगे। महाशिवरात्रि के चलते भगवान श्री कृष्ण की नगरी ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रही है और चारों ओर से भक्त भगवान शिव की भक्ति में रमते हुए मदमस्त हो शिव मंदिरों की ओर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते समूची मथुरा नगरी का वातावरण पूरी तरह से शिवमय हो गया है। क्या नाम है आपका? आशीष गोस्वामी। तो ये आज शिवरात्रि को लेकर के किस तरीके की महादेव मंदिर में व्यवस्थाएं हैं और भूतनाथ मंदिर में किस तरीके की व्यवस्थाओं के लिए शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है? शिवरात्रि का पर्व कैसे मनाया जाएगा यहाँ पर? यहाँ शिवरात्रि का पर्व बहुत बड़ा मनाया जाएगा। बाबा की बारात निकलेगी, भजन संध्या है, बाबा का भव्य श्रृंगार, छप्पन भोग है बाबा का। तो यहाँ पर व्यवस्थाएं कैसे बनाई गई है? व्यवस्था अभी पूरी सही आधे घंटे एक घंटे में और व्यवस्था और व्यवस्था हो उन बंगले की भी व्यवस्था की गई है। हाँ, भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, तो उसको हाँ, देखते हुए क्या व्यवस्थाएं करी गई है? श्रद्धालु हर साल श्रद्धालु बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। अब क्या डर है उससे?